नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए आप लोग जानते हैं कि चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है और उसको देखते हुए यूएस ने और उसके जो एलाइज हैं इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने लॉन्च किया है एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है पार्टनर इन द ब्लू पैसिफिक फॉर इफेक्टिव एंड इफिशियंट कोऑपरेशन विद द रीजन्स स्मॉल आइलैंड नेशंस। देखिए रिसेंटली एक ऐसी न्यूज थी कि चाइना इंडो पैसिफिक रीजन के 10 आइलैंड्स के साथ अपना कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद से इस रीजन में जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन काफी हद तक बढ़ गया है और इसीलिए चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस ने और उसकी चार एलाइज कंट्रीज ने इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। यूएस का ये जो पार्टनर इन द ब्लू पैसिफिक या पीबीपी इनिशिएटिव है, ये इन पांच कंट्रीज का एक इन्फॉर्मल मैकेनिज्म है जिसके अंडर ये पांच कंट्री पैसिफिक ओशियन के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इनके साथ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज को बूस्ट देंगी। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था June 24th को और इसके अंडर ये कंट्रीज काम करेंगी इस रीजन में प्रोस्पेरिटी, रेजिलियंस और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो पांच कंट्रीज हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ये कंट्रीज एक साथ मिलकर और इंडिविजुअली इस रीजन में ज्यादा रिसोर्सेज को डायरेक्ट करेंगी टू काउंटर चाइनाज एग्रेसिव आउटरीच। देखिए आप लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक रीजन में काफी छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज हैं और फिलहाल जो हालात चल रहे हैं उस वजह से उन लोगों के पास रिसोर्सेज की काफी कमी है और इसका फायदा उठा रहा है चाइना। लेकिन अब यूएस और इन चार कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि वो इन कंट्रीज को ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि इन कंट्रीज पर चाइना के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। देखिए पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव के मेंबर्स जो हैं उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि वो इस रीजन में पैसिफिक रीजनलिज्म को एलिवेट करेंगी और साथ ही इस रीजन की जो एक फोरम है जिसका नाम है पैसिफिक आइलैंड फोरम, उसके साथ भी अपने टाइज को इम्प्रूव करेंगे। देखिए जो पैसिफिक आइलैंड फोरम है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका एम है पैसिफिक ओशियन की जितनी भी कंट्रीज हैं और टेरिटरीज हैं उनके बीच कोऑपरेशन को एनहेंस करना, इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड ब्लॉक, रीजनल पीस कीपिंग ऑपरेशंस। इसमें टोटल 18 कंट्रीज शामिल हैं जैसे कि कुक आइलैंड, फिजी, सामोआ, टोंगा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज। देखिए इस इनिशिएटिव को लेकर मेंबर कंट्रीज ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी रिलीज किया है और उसमें यह भी कहा गया है कि ये कंट्रीज एडिशनल कंट्रीज यानी अदर कंट्रीज के साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि भविष्य में इस इनिशिएटिव से और भी कंट्रीज जुड़ सकती हैं और हो सकता है इसका टारगेट हो इंडिया। ये कंट्रीज चाहेंगी कि इंडिया भी इस इनिशिएटिव में शामिल हो। देखिए इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस इनिशिएटिव का जो मेन फोकस होगा वो होगा क्लाइमेट क्राइसिस, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड एजुकेशन। अब देखिए आप लोग सोचेंगे कि अचानक से इस रीजन को लेकर यूएस की और अदर कंट्रीज की इतनी चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं? तो देखिए आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि रिसेंटली चाइना ने इस रीजन के सोलोमन आइलैंड के साथ अप्रैल में एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है और इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और यूएस में ये चिंता है कि इस सिक्योरिटी पैक्ट के बाद जो चाइनीज मिलिट्री है उसका बेस होगा सोलोमन आइलैंड में। और देखिए आप इस मैप में देखिए ये सोलोमन आइलैंड एक्चुअली है कहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कितना क्लोज है। और अब सोचिए अगर यहाँ पर चाइनीज मिलिट्री बेस होगी तो इससे ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी को कितना बड़ा खतरा होगा, साथ ही इस रीजन में चाइना की डोमिनेंस बढ़ जाएगी। और देखिए यहीं पर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है गुआम और ये जो गुआम आइलैंड है ये यूएस की टेरिटरी है, ये यूएस की टेरिटरी का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। इस आइलैंड का जो एरिया है वो है अराउंड 540 किलोमीटर स्क्वायर और यहाँ की पॉपुलेशन है अराउंड 170,000 और ये सभी लोग यूएस के सिटीजन है और यहाँ की करेंसी भी यूएस डॉलर है। अब देखिए अगर सोलोमन आइलैंड में चाइनीज मिलिट्री बेस होगी तो इससे यूएस की जो टेरिटरी है ये भी खतरे में पड़ जाएगी और यूएस के लिए रीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक क्रूशियल शिपिंग लेन है और दुनिया भर के ट्रेड के लिए जो शिप जाते हैं वो सबसे ज्यादा इसी एरिया से पास होते हैं। और अगर एक तरफ चाइनीज मिलिट्री बेस होगी चाइनीज कोस्टल एरियाज में, दूसरी तरफ चाइनीज मिलिट्री बेस होगी सोलोमन आइलैंड में, तो सोचिए इन दोनों रीजन के बीच में जितने भी शिप पास होंगे उनके लिए एक चाइनीज थ्रेट हमेशा बना रहेगा। देखिए आप लोग को याद होगा कुछ ही टाइम पहले चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उन्होंने इसी रीजन के 10 आइलैंड नेशन का टूर किया था और चाइना चाहता था कि ये 10 आइलैंड चाइना का जो बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है कॉमन डेवलपमेंट विजन उसे साइन करें। और देखिए इस कॉमन डेवलपमेंट विजन के अंडर चाइना इन आइलैंड कंट्रीज के साथ ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पर काम करना चाहता था। हालांकि अभी चाइना के इस इनिशिएटिव पर कुछ कंक्रीट सामने उभर कर नहीं आया है लेकिन चाइना लगातार कोशिश कर रहा है कि इन आइलैंड कंट्रीज के साथ जो सिक्योरिटी पैक्ट है वो साइन किए जाएं।
और अगर ऐसा होता है तो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कि ये पैसिफिक रीजन स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए 2019 में यूएस की एक स्ट्रेटेजी रिपोर्ट रिलीज हुई थी और उसमें यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इंडो पैसिफिक रीजन को कहा था सिंगल मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रीजन फॉर अमेरिकाज फ्यूचर। देखिए ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है जो फैला है यूनाइटेड स्टेट के वेस्टर्न कोस्ट से इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट तक, इसी रीजन में है दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री चाइना और वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इंडिया, साथ ही दुनिया की लार्जेस्ट मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट इंडोनेशिया और इसी रीजन में है पूरी दुनिया की अराउंड आधी आबादी। पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी 10 स्टैंडिंग आर्मीज हैं उनमें से 7 इस रीजन में हैं और इस रीजन में 6 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा 10 बिजी सी पोर्ट हैं उनमें से 9 इस रीजन में हैं। 60% ऑफ ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड जो है वो एशिया के थ्रू पास होता है स्पेशली इसी रीजन से और जो ग्लोबल शिपिंग है उसका अराउंड 1/3 पास होता है साउथ चाइना सी से और इसीलिए ये रीजन इतना खास है। चाइना इस रीजन में लगातार अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और यूएस कोशिश कर रहा है उसको काउंटर करने की। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।